दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों मेरे चैनल देखने से पहले जरूर लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। और ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है, उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। वेलकम फ्रेंड, आज हम एनी 555 आईसी के बारे में बात करेंगे। एनी 555 आईसी जो है वो ये टाइमर आईसी है, ये टाइमिंग जनरेट करता है। तो दोस्तों हम लोग इस आईसी का पिन का डिटेल समझेंगे। पिन नंबर 1 जो है ग्राउंड किया गया है, पिन नंबर 2 जो ट्रिगर है इसमें सिग्नल इनपुट होता है या फिर कोई कैपेसिटर के थ्रू इसमें स्विचिंग दिया जाता है। पिन नंबर 3 जो है आउटपुट है, इससे आउटपुट लिया जाता है। और पिन नंबर 4 जो देख रहे हैं ये रिसेट है, ये जितना सिस्टम है इसको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे ये रिसेट करता है। पिन नंबर 5 ये कंट्रोल वोल्टेज है, ये एक कैपेसिटर थ्रू ग्राउंड से कनेक्शन किया जाता है और ज़्यादातर ये उपयोग नहीं होता है। पिन नंबर 6 ये थ्रेशोल्ड है, ये कैपेसिटर यहाँ पे चार्ज होता है और जैसे कैपेसिटर का वोल्टेज इसमें हाई होगा तब ये आउटपुट देगा, जिससे वोल्टेज का जीरो रहेगा तो आउटपुट नहीं देगा, इसके लिए थ्रेशोल्ड कनेक्शन होता है। और पिन नंबर 7 जो है डिस्चार्ज है, इसमें कोई भी कैपेसिटर को डिस्चार्ज किया जाता है, इससे डिस्चार्ज होगा तो स्विच बंद हो जाएगा, इसके लिए डिस्चार्ज किया जाता है। पिन नंबर 8 जो VCC है ये वोल्टेज सप्लाई इसमें इनपुट किया जाता है। दोस्तों ये है पिनों के डिटेल्स। दोस्तों आइए हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं कि ये चार्जिंग किस तरह करता है। तो दोस्तों देख रहे हैं ये इसमें 9 वोल्ट सप्लाई इनपुट हो रही है और ग्राउंड हो रहा है, तो ये जो इसकी जो लाइट है ये ब्लिंकिंग कर रहा है। तो दोस्तों इसी तरह ये ब्लिंक करके बैटरी को चार्ज करता रहता है। और इसमें जो है पिन नंबर 4 जो देख रहे हैं आप, ये वाली रिसेट कनेक्शन है, ये अगर एक यहाँ पे सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी तो ये रुक जाएगी, क्योंकि ये पूरा सिस्टम को ये यहाँ से रिसेट करता है, चालू बंद करता है और ये सिस्टम बंद हो जाएगी। तो ये जो पिन नंबर 4 है ये जो है कि माइक्रो कंट्रोलर की आईसी के पिन नंबर 26 से आती है और आके इसमें ऑन ऑफ कराती है इस आईसी को पिन नंबर 4 में। और ये आप देख रहे हैं पिन नंबर 2 पिन नंबर 6 एक साथ में लगा हुआ है और उसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि कैपेसिटर के थ्रू ही ये स्विचिंग मिल रहा है। कैपेसिटर क्या होता है, ये 9 वोल्ट सप्लाई यहाँ से आते हुए रेजिस्टेंस के थ्रू पिन नंबर 7 में देखने इनपुट हो रहा है, 7 के बाद में 6 में होता है, जैसे 6 में जैसे कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो ये लाइट जल जाएगी और जब चार्ज हो जाएगा तो क्या करेगा पिन नंबर 7 जो फिर इसको डिस्चार्ज कर देगा, तो फिर ये चार्ज होगा 6 से फिर 7 से डिस्चार्ज होगा। तो ये ऐसे प्रक्रिया चलते रहता है, तो ये लाइट ऑन ऑफ होते रहता है जिससे कि चार्जिंग करते रहता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे चार्जिंग किस तरह करता है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत।